तो देखिए देव ऋषि नारद ने जब देखा, सोचने लगे ये बूढ़े पुरुष है तो है कौन, ये पति नहीं हो सकते। बड़ा आवाज करते हो आप लोग हैं। तो देखिए कहने लगे कि ये पति नहीं हो सकते, और पति नहीं हो सकते तो क्या इसके भाई। नारद दूर खड़े हैं लेकिन अंदाजा लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये क्या भाई है। लेकिन फिर नारद ने सोचा कि ये भाई भी नहीं हो सकते क्योंकि अंतर बहुत है। बहन 21 साल की और भैया 80 साल के हो नहीं सकता, ये भाई नहीं है, कौन है। तो नारद बड़ा परेशान है, सोचने लगे अब हम क्या करें क्या न करें। लेकिन स्त्री वाली बात पास भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि न जाने कौन से मूड में होए। औरत का दिमाग पता नहीं कब कहां कैसा चल जाए, स्त्री का दिमाग पता नहीं होता क्योंकि इनके मन की बात जानना बड़ा मुश्किल है। हम बुराई नहीं कर रहे आपके स्टाफ के, हम आप ये सोचो कि हम बुराई कर रहे, बुराई वाली बात नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। आपके और हमारे मन की कोई समझ ले ये कोई पैदा नहीं हुआ क्योंकि स्त्री के दिमाग में क्या चल रहा है कभी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और ये किस मूड में बैठे हैं, ये हमारी देवियाएं किस मूड में बैठी हैं ये कोई पता नहीं कर सकता क्योंकि पता नहीं चलता ये कब हंस के बोल जाए और कब ये लड़ाई वाली बात कर जाए। स्त्री के दिमाग में पता नहीं चलता कभी ये सम्मान करा दे कभी ये अपमान कर दे। स्त्री वो चीज हुआ करती है, स्त्री चाहे तो वो काम कर सकती है जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। देवियों में वो शक्ति हुआ करती है आप में और हम में, अगर स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और यही देवियां चाहे तो घर को बर्बाद कर सकते हैं। ये केवल इनके अंदर ये शक्ति हुआ करती है, ये केवल आप में ही सकती है। घर वाला चाहे कितना भी पैसा पैदा करे, पति चाहे कितना भी काम कमाए, लेकिन जब तक आप ये नहीं चाहोगी कि मेरा घर आगे बढ़े तब तक घर आगे बढ़े। ये केवल आप में ही सकती है, आप चाहो तो घर के लिए एक स्वर्ग बना सकती हो और आप ही चाहो तो घर एक नरक बन सकता है। ये केवल माता और बहनों में शक्ति हुआ करती है, औरतों में शक्ति हुआ करती है। तो नारद सोचने लगे कि हम पास में नहीं जाएंगे भाई, न जाने किस मूड में हो। फिर नारद ने सोचा लेकिन मन नहीं मार रहा है, जाना तो पड़ेगा भाई क्योंकि अगर हम जाएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि जो दौड़े जो ये दो बूढ़े पुरुष हैं ये हैं कौन, हम कैसे जाने किससे पूछें। तो नारद ने कोशिश करके उनके पास में जाने लगे। पास में जाने लगे और जब पास में गए तो क्या देखा, वो स्त्री रो रही थी, बड़ा बुरा हाल है। देखने में बहुत सुंदर जवान थी मगर रो रही थी, बड़ा बुरा हाल था। तो नारद ने सोचा अब तो मुझे पास में जाना चाहिए क्योंकि ये रो रही है, कुछ ना कुछ तो वजह है। तो नारद जब चले
और जाकर के जब पास में पहुंचे तो दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही, देवी आप रो क्यों रही हैं? और रोने के साथ साथ मुझे ये बता दो कि दो बूढ़े पुरुष जो लेटे ये हैं कौन? नारद बोले कि ये हैं कौन? तो वो स्त्री कहने लगी, आइए नारद, आइए, आप मुझे कोई सुंदरी समझ रहे हो, कोई स्त्री समझ रहे हो? मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, मैं भक्ति हूँ। और जो तुम ये दो बूढ़े पुरुष देख रहे हो, ये बूढ़े पुरुष कोई और नहीं है, ये ज्ञान और वैराग्य हैं, ये हमारे बेटे हैं। लेकिन नारद क्या करें, बड़ी बेइज्जती वाली बात है, बड़ी शर्म वाली बात है कि माँ पे जवानी और बच्चों पे बुढ़ापा, ये कैसी बात है? नारद, मैं तो कहीं अपना मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही, क्योंकि माँ पे जवानी हो और बच्चों पे बुढ़ापा हो तो माँ पे क्या गुजरती है वो तो केवल माँ ही जानती है। बड़ा परेशान थी। और देखिए भाई, आजकल के जमाने में ये होने लगा है, माँ बाप बाद में बूढ़े होते हैं, बच्चे पहले बूढ़े हो जाते हैं। आज के जमाने में माँ बाप तो बाद में बूढ़े होते हैं, बच्चे पहले बूढ़े हो जाते हैं। कैसे? अभी मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके बाल सफेद नहीं हुए, लेकिन बच्चे 10 साल के नहीं हुए तो लो बाल सफेद होने लगे। मैंने तो देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि आज के जमाने में बच्चों के बाल छोटे पैसे सफेद होने लगते हैं। वैसे बाल सफेद होते जब है जब बुढ़ापा आता है। अब क्या किया जाए, ये भी एक परेशानी है। क्यों? आजकल बाल सफेद पता है क्यों इतनी जल्दी होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि ये तरह तरह के ब्रांड चले हैं। पहले के बुजुर्ग केवल सरसों का तेल डालते थे, या किसका तेल बोलते हैं, सरसों का तेल बोलते हैं आप लोग, कड़वा तेल भी कहते हैं उसे। तो पहले की माता बहने और बच्चे सरसों का तेल लगाते थे बालों में, तो उनके बाल कभी उम्र से पहले सफेद नहीं होते थे और मुल्तानी मिट्टी से बाल धोते थे, है ना? जो मिट्टी होती थी मुल्तानी मिट्टी, उससे बाल धोती थी हमारी माता बहने। जो बड़ी बूढ़ी है केवल वही जानती होंगी, आजकल का तो कोई नहीं जानता हो, क्योंकि आजकल शैम्पू के इतने ब्रांड है, चिक ले लो, क्लीन प्लस ले लो, डव ले लो, इतने ब्रांड है कि पता ही नहीं हमारे लिए खुद। तो बाल सफेद किसके होंगे, हमारे आपके? तो बाल सफेद इसलिए होते हो। देखिए भाइयों, आजकल बुढ़ापा छुपाने के नियम भी बहुत अच्छे चले हैं। आजकल बाल सफेद अगर होते हैं तो नियम भी बहुत अच्छे चले हैं। कैसे कैसे नियम? अगर किसी के ऊपर बुढ़ापा आ गया तो वो अपना बुढ़ापा किसी को दिखने नहीं देते। इसी बैराज में गए और डाई कराई, फिर आए गए, बोले हम कहा बूढ़े, हम तो हैं तैसे ही, है ना? आजकल डाई करा लेते हैं बहुत जल्दी, हम बूढ़े नहीं हुए अभी, लेकिन बुढ़ापा कभी छुपता नहीं है, ये ध्यान रखना। तो नारद ने कहा कि ये कैसे हो गया, माँ पे जवानी बच्चों पे बुढ़ापा, ऐसा हो नहीं सकता। भक्ति कहने लगी, नारद यही तो बात है, इसीलिए तो मैं मरी जा रही हूँ शर्म की वजह से, कि मैं कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अगर मैं कहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि माँ पे जवानी और बच्चों पे बुढ़ापा। नारद, कोई अगर तुम्हारे पास में दबा हो
तो हमें बताए। नारद बड़ा असमंजस में फंस गए, बोले ऐसी दवा हम कहां से लाएं जो जवान हो जाएंगे, बुढ़ापा चला जाए। नारद कहने लगे तुम चिंता न करो, हम अभी गए और अभी आए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ के लाएंगे। अब नारद चले, सब देवताओं के पास में जाते हैं, पूछते हैं, कहते हैं सुनिए आपके पास कोई ऐसी दवा है जो बुढ़ापे से उन पे जवानी आ जाए। सब लोग मना कर देते, भाई मेरे पास कोई दवा नहीं है ऐसी। अब तो नारद बड़ा परेशान, भगवान विष्णु के पास में पहुंचे, कहने लगे भगवान हमें ऐसी दवा बता दो जिससे बुढ़ापा चला जाए और जवानी आ जाए। भगवान विष्णु कहने लगे भाई मेरे पास में कोई उपाय नहीं है, एक बार बुढ़ापा आ गया तो आ गया भाई, अब जवान नहीं हो सकते। अब तो बड़ा परेशान नारद सोचने लगे हम क्या करें क्या ना करें। घूमते हुए जब चल दिए हैं तो क्या देखा, सामने से सनत कुमार जी आ रहे हैं। सनत कुमार ब्रह्मा के लड़का थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़े, नारद ने कहा कि भगवान कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे हमारे ज्ञान बैराग्य जवान हो जाए। सनत कुमार कहने लगे सुनिए नारद, वो जवान हो सकते हैं लेकिन थोड़े दिन के लिए, ज्यादा दिन के लिए जवान नहीं हो सकते, क्योंकि वो नहीं जानते ये कलयुग है, ये कलयुग आ गया, कलयुग में अब ज्ञान बैराग्य कहीं नहीं रहा, इसलिए उनसे जाकर के कह दो अब वो दुनियादारी पर नहीं मरे हैं, क्योंकि आज के आदमी में कहीं पर भी ज्ञान वैराग्य देखने को नहीं मिलेगा।